हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी के टिप्स एंड फूड। तो चलिए आज बनाते हैं करवा चौथ के लिए कुछ खास मिठाई। यहाँ लिया है मैंने एक पैकेट दूध और इसको एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। तो इसमें एक उबाल आ गया है, मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप चीनी और ये लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे पकता रहेगा। आप बीच बीच में इसको चलाते रहना और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में आप इस पर करछी ज़रूर मारते रहना। चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा पतला भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप जो है इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहना और साइड में जो भी मलाई लग रही होगी ना उसको आप निकाल करके दूध के साथ मिक्स कर देना। हमने इस दूध को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए और हल्का सा गाढ़ा भी होने लगेगा, तब तक हमने इसको पकाना है। अब आप देख रहे होंगे दूध काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच मिल्क पाउडर। इसको अच्छे से हम मिला देंगे, इसमें गुठलियाँ बनेंगी लेकिन धीरे धीरे वो घुल जाएंगी। आप इसको चम्मच से या करछी से अच्छे से मिक्स कर देना, जैसे मैं मिला रही हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आपको गुठली दिख रही है उनको आप दबा देना, वो घुल जाती है इसमें। और मिल्क पाउडर डालने के बाद जब ये 5 मिनट पक जाएगा ना तो ये आपको गाढ़ा होते हुए दिखाई देगा। ये जो अभी दिख रहा है थोड़ा सा दूध गाढ़ा इस टाइप से, और अब आप देख रहे होंगे ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आपने करछी चलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और गैस की फ्लेम को आपने लो ही रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। अब इसमें चीनी है क्योंकि अब ये गाढ़ा होने लग गया ना तो चीनी के नीचे जलने के चांसेस रहते हैं। तो आपने एक भी बार इसको नहीं छोड़ना, बस चलाते हुए इसको पकाना है। अब आप देख रहे होंगे इसको चलाते चलाते ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, नीचे लगने लग गया है क्योंकि मैं बोल रही थी ना चीनी इसमें रहती है तो जल जाती है नीचे। तो आप साइड साइड से भी इसको निकालते रहना और चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस टाइम। तो ये स्टेज ऐसी कि आपने चलाना छोड़ा तो बस सारा जो पतीला आपका है ना वो सारा जल जाएगा। और इतना मैंने इसको पका दिया जितना कि मुझे चाहिए था। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी भी इसकी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, इतना मैंने इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ मैंने ले रखे हैं 10 से 12 बादाम, इसको मैं क्रश कर दूँगी। और अब इसमें मिलाना है नारियल का बूरा। तो ये मैं आधा कप मिला रही हूँ अभी और जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से हम धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। पहले मैं एक बार इसको मिक्स कर दूँगी इसमें, फिर देखते हैं कितना और चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि मुझे कितना इसमें मिलाना है। अगर एकदम से ज़्यादा मिला देंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएगा, फिर आपका कुछ भी नहीं बनेगा इससे, ना लड्डू ना बर्फ़ी कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे करके ही मिलाना। तो अभी मैंने आधा मिलाया है, मैं इसको मिक्स करके दिखा देती हूँ आपको कि अभी और इसमें कितना मिलाया जा सकता है। और अब मिला रही हूँ मैं आधा कप और नारियल का पूरा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि किस टाइप से है। तो ये आप देख रहे होंगे ये इसमें मिक्स करने के बाद ना लूज़ है और ना ये टाइट है। तो इस टाइम हमारा बैटर ठीक है इसका बना हुआ। आप इसमें चाहो तो आधा कप और भी मिला सकते हो नारियल का बूरा, या फिर इतना भी रहने दे सकते हो। अब आप देख रहे होंगे ना ये इकट्ठा हो रहा है, तो आप इसको इतना भी रहने दे सकते हो। तो इसको ठंडा कर देते हैं एक अलग से बोल में ट्रांसफ़र करके। इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज ही रखना है ताकि आपको कोई भी शेप इसका बनाना हो ना तो बनाने में आसानी हो सके। तो यहाँ लिए मैंने 10 से 12 बादाम जिनको कि मैंने हाथ से क्रश कर दिया है। इसके अंदर की फिलिंग में इसको हम भर देंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है दूसरी कटोरी में। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा आपको डो चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हो। इसको हाथ पे रख करके आपने गोल करना है। अब बीच में इसको ना थंब से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसको अच्छे से गोल करके थंब से प्रेस करना है। और इसके बीच में हम डालेंगे चम्मच की मदद से थोड़ा सा
मिल्क पाउडर, सबसे पहले मिल्क पाउडर इसके अंदर भर देंगे हम। और अब हम इसमें पहले थोड़ा सा मिल्क पाउडर भर देंगे, ज़्यादा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा भरना है। और इसके ऊपर से डाल देंगे हम ये बादाम का जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था ना, इसको डाल देंगे इसके ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है इसके अंदर। और अब हम इसको अच्छे से इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे, फिलिंग बाहर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। और अब आप इसको हाथ से अच्छे से गोल कर दीजिए, जहाँ जहाँ जैसे दरारा आ रही है ना, फट सा रहा है, तो उसको हाथ से पकड़ के दबा देना। और अब इसको हाथ से गोल गोल कर देंगे हम, अच्छे से शेप दे देंगे इसको, हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर से। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। तो चलिए एक बन चुका है, ऐसे ही बना देते हैं हम। और भी सारा डो आपने अपने हिसाब से लेना है, छोटा बड़ा जैसे भी लो। और इसको हल्के हाथ से गोल करके वैसे ही थंब से इसमें थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा गड्ढा जैसे करना है। और इसमें भर देंगे हम इसकी फिलिंग्स, पहले मिल्क पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और फिर इस चम्मच से बादाम, और फिलिंग डालने के बाद इसको फिर ऐसी ऊपर को फोल्ड कर देंगे। धीरे धीरे करके इसको फोल्ड करेंगे हम, और जहाँ जहाँ से आपको दरारें दिख रही है ना, उसको हाथ से प्रेस कर देना, और गोल गोल करके थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको शेप दे देंगे। तो इसी टाइप से हमने सारे बनाने हैं। इसके अंदर आप फिलिंग किसी भी चीज़ की दे सकते हो, काजू की, बादाम की। तो इसको आप हाथ से प्रेस कर देना, इस टाइप से शेप दे देना इसको। तो इसी टाइप से आपने सारी मिठाइयाँ बना देनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो तैयार है करवा चौथ पे मिठाई। तो इसको मैं ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ बादाम से, आप चाहो तो पिस्ता लगा सकते हो या काजू, कुछ भी लगा सकते हो आप, साबुत भी इसमें काजू बादाम कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं इसको क्रश करके लगा रही हूँ। तो आप इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो लीजिए तैयार हो गई है मिठाई, मैंने बहुत कम सामान से इसको बनाया है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करना, पसंद आने वाली है आपको।